कोरोना का कहर नए संक्रमितों और मौतों का हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान करीब 2,20,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक करीब 14 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल हर दिन 30 लाख वैक्सीन डोज दी जा रही है। ये ताजा घटनाक्रम की बातें हैं, लेकिन इस बीच सभी वो जानना चाह रहे हैं जो वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में वो रिसर्च हम बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद काम की है। वैक्सीन से 65% कम हो रहा कोरोना का खतरा। कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटेन में हुए 2 अध्ययनों में पता चला है कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद ही संक्रमण का खतरा कम होने लगता है। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को अपनी शोध में शामिल किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि टीके की पहली खुराक के बाद ही संक्रमण का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्टडी में पाया गया कि टीकों की 2 में से 1 खुराक ने भी बुजुर्गों, युवाओं और स्वस्थ लोगों में कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को काफी कम किया है। वैक्सीन की 2 खुराक लगती है। पहली खुराक के 28 दिनों बाद दूसरी दी जाती है। माना जा रहा है कि अध्ययन कोरोना वैक्सीन को लेकर उठी आशंकाओं को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण की खबरों ने टीके को लेकर उसके विश्वास को प्रभावित किया है, लेकिन इन स्टडीज से ये साफ होता है कि वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। हालांकि शोधकर्ताओं ने सतर्क किया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और बिना लक्षणों के संक्रमित होने के बाद वो इस जानलेवा वायरस को फैला सकता है। इस कारण मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। मई में भारत में हर दिन आ सकते हैं 8 लाख केस। भारत में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है। चारों ओर ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अब भारत को लेकर एक अमेरिकी स्टडी में जो अंदाजा लगाया गया है वो बेहद खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। इसके मुताबिक एक दिन में 8 लाख से ज्यादा केस मिलने लगेंगे। अमेरिकी स्टडी ने चेताया है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भारत में रोजाना मई के मध्य तक 5,600 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब होगा कि अप्रैल से अगस्त के बीच देश में कोरोना वायरस की वजह से करीब 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने ये स्टडी की है। 15 अप्रैल को प्रकाशित इस रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार को टीकाकरण ही कम कर सकता है। विशेषज्ञों ने स्टडी में चेताया कि आने वाले हफ्तों में भारत में कोरोना वायरस से बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस अध्ययन के लिए विशेषज्ञों ने भारत में संक्रमण और मौतों की वर्तमान दर का आकलन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद बना रहता है खतरा। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में अगले 6 महीनों तक जान का खतरा 60% ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने पर भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोरोना से उबर जाने के बाद भी मौत का खतरा टलता नहीं है। नेचर जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित शोध रिपोर्ट में अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि आने वाले सालों में दुनिया की आबादी पर इस बीमारी से बड़ा बोझ पड़ने वाला है। मेडिसिन प्रोफेसर जियाद अल अली कहते हैं कि कोरोना संक्रमण का पता लगने के 6 महीने के अंदर मौत का जोखिम कम नहीं होता, भले ही कोरोना वायरस से मामूली रूप से प्रभावित हुए हों। शोधकर्ताओं ने पाया कि संक्रमण का पता चलने के 30 दिनों बाद कोरोना से ठीक हुए लोगों में अगले 6 महीनों तक आम आदमी के मुकाबले मौत का जोखिम 60% तक ज्यादा होता है। 6 महीने की सीमा तक कोरोना के मामूली संक्रमण से ठीक हुए प्रति 1,000 लोगों में मौत के 8 मामले अधिक मिले। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि कोरोना शुरू में भले ही सांस रोग से जुड़े एक वायरस के तौर पर सामने आया है, लेकिन ये दीर्घकाल में शरीर के लगभग हर अंग तंत्र को प्रभावित करता है।